हाय फ्रेंड्स, मैं सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा मिर्जिया मूवी के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, फिल्म को बस कुछ ही वक्त रह गया रिलीज होने को, यानी कि सिर्फ एक दिन मैं कहूंगा रिलीज होने को बाकी है। और कहीं ना कहीं फिल्म का अभी तक का जो रिस्पॉन्स है उसके बारे में बात करूंगा, और फिल्म किस तरह से कमाल करेगी। पहले दिन की बात मैं अब जरूर करूंगा, पहले एक वीक की वीकेंड की बात करूंगा जरूर मैं। तो वो इसलिए क्योंकि ये फिल्म बहुत ही एंटिसिपेटेड फिल्म थी। 3 से 3.5 दिन मैंने पहले इसका सबसे पहला लुक आ गया था, और कहीं ना कहीं ट्रेलर भी जुलाई में ही रिलीज हो गया था, और आप समझ सकते हो अभी अक्टूबर चालू है। तो अक्टूबर जो रिलीज हो रही है 7 तारीख को, फिल्म में आखिर क्या ऐसा है जो लोगों को आकर्षित कर रहा है, या ट्रेलर कितना अलग है, सॉन्ग कितना अलग है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेलर जब जुलाई में रिलीज हुआ था तो बहुत बढ़िया ट्रेलर गया था, लोगों को बहुत पसंद आया था ट्रेलर। 3.5 मिनट का ट्रेलर था जहां पे आपको हर्षवर्धन कपूर और साइमी खेर नजर आते हैं। दोनों लोग का बचपन कहीं ना कहीं दिखाया गया फिल्म के स्टार्टिंग में ट्रेलर में, और उसके बाद बड़े हो जाते हैं वो दिखाया गया है। उसके बाद फिल्म कहीं पास्ट में चली जाती है, एक अलग ही युग में चली जाती है, जहां पे साइमी खेर एक अलग ही लुक है और घोड़े पे फिर नजर आते हैं हर्षवर्धन कपूर, नकाब रहता है, फाद में नकाब खुलता है, तीर मारते, मतलब दो जमाने में फिल्म चलती है, एक तो करंट जमाने में, आज के जमाने में, और एक पुराने जमाने में। बट फिल्म का जो कोर थीम है वो प्यार है, वो जरूर रहता है। और फिल्म मिर्जा साहिबान के ऊपर बेस्ड है, जो एक फोकलोर है, हिस्ट्री नहीं है। आपको बता दो, ये हिस्ट्री में कहीं लिखा नहीं है मिर्जा साहिबान के बारे में, एक कहानी होती है ना जैसे, वैसे ये कहानी है। और जो बहुत पसंद आई थी मिर्जा इनको राकेश ओम प्रकाश मेहरा को, जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, जो रंग दे बसंती जैसी फिल्म कामयाब फिल्म बना चुके हैं, उनको ये फिल्म बहुत पसंद, मतलब कहानी बहुत पसंद आई थी। कई सालों से, आई थिंक 20-30 सालों से उनकी कहानी वो जहन में थी, तो उनके माइंड में जरूर था कि कभी ना कभी वो कहानी जरूर बनाएंगे। और इसीलिए हर्षवर्धन कपूर को अपना एक डेब्यू रोल मिला है, जो बहुत बड़ा रोल मिला है। सबसे मेजर प्लस पॉइंट इस फिल्म का यह है कि इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे, स्क्रीन प्ले गुलजार ने लिखा है, जो मूविंग होते हैं सीन्स वगैरह सब गुलजार ने लिखे है, तो वो एक बहुत एक अच्छी बात है। और आपने सबसे पहला जो ट्रेलर देखा होगा उसमें गुलजार की लाइंस भी है, उनकी आवाज है, मतलब वो मुझे बहुत अच्छी लगी, जहाँ पे गुलजार कहते हैं, होता है इश्क में ऐसा होता है, चोट कहीं लगती है, दर्द कहीं होता है इश्क में ऐसा होता है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने लिखा है, और सही में उनकी लाइंस तो भाई कमाल की होती है, और गाने भी फिलहाल बहुत सही चल रहे हैं। आई थिंक एक सबसे एक जो प्यारा गाना है तुनक तुनक धुन, और एक कुछ 100 गवाह है इश्क के, आई थिंक ये भी गाना बहुत अच्छा है, 3 गवाह इश्क के, ये भी गाना मुझे अच्छा लगा। और इसका टाइटल स्ट्रॉन्ग मिर्जा तो अच्छा है ही है। तो फिल्म में गाने बहुत कैची है, बहुत पैपी है, शंकर एहसान लॉय का म्यूजिक बहुत सही है। और अब मैं बात करूंगा इसके जो कलेक्शन के बारे में, जिसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो ये है कि एक्सपर्ट से हाल ही में बात की गई थी, जब किसी वेबसाइट से, नॉन वेबसाइट से, तो उनके हिसाब से जो कलेक्शन का आंकड़ा था पहले दिन का, वो था 6 से 7 करोड़ फर्स्ट डे का कलेक्शन, यानी कि फर्स्ट फ्राइडे का कलेक्शन। और मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ इस कलेक्शन से, और मुझे भी ये कलेक्शन कहीं ना कहीं सही लग रहा है, क्योंकि फिल्म देखिए हाई बजट तो है, हाई बजट है फिल्म का, और फिल्म का क्रेज भी लोगों में बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यू कमर होने से शायद कलेक्शन के आंकड़े कम हो सकते हैं। और उसका एक और रीजन भी बता दूं कि एमएस धोनी की फिल्म बहुत ही बढ़िया चल रही है, और ये फिल्म जो एमएस धोनी है वो फिल्म मिर्जिया को कल टक्कर जरूर देगी, इतना तो आप मान के चलिए। तो उसको देखते हुए और फिल्म के न्यू कमर्स को देखते हुए जो फिल्म का जो कलेक्शन समझ में आ रहा है, मुझे भी कुछ 7 से 8 करोड़ ही समझ में आ रहा है, जिस तरह से एक्सपर्ट कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि एक्सपर्ट कह रहे तो मैं कह रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं ये मेरा खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। 7-8 करोड़ कोई गलत एक प्रेडिक्शन नहीं है इस फिल्म का। तो फिल्म जैसे ही रिलीज होगी, इस फिल्म के जो रिव्यू मेरे पास आएंगे, जो क्रिटिक्स वगैरह ने जो रिव्यूज दिए हैं, वो आपको मैं जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस फिल्म से, और आपको क्या उम्मीद है इस फिल्म से, हर्षवर्धन कपूर की फिल्म से, और कितना ज्यादा आप इस फिल्म से खुद को कनेक्ट करते हैं, या क्या एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप ये फिल्म देखना चाहते हैं, आप मुझे जरूर बता सकते हैं। तो कुछ बॉलीवुड खबरें पता चली तो आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।